हेलो स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स पेपर के चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी के ई लेक्चर की सीरीज में हम परक्विजिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी परक्विजिट्स जो अनुलाभ होते हैं उनके काफ़ी कुछ मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं, विशिष्ट कर्मचारियों को अगर कोई फैसिलिटी दी जाती है, कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, कोई सुविधा दी जा रही है, तो उस केस में उस सुविधा का, उस बेनिफिट का, उस परक्विजिट का वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते क्या हैं। इसके बारे में मैंने पहले के लेक्चर में आपको बताया था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज क्या होते हैं। कोई भी कंपनी के डायरेक्टर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कहलाते हैं, और ऐसा कोई भी एम्प्लॉय जिसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इसको सार्वान हित भी कहा जाता है। सार्वान हित क्या होता है, किसी भी कर्मचारी के पास कंपनी के कम से कम 20% मताधिकार वाले अंश होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो कर्मचारी भी उस कंपनी का विशिष्ट कर्मचारी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। साथ ही अगर किसी एम्प्लॉय की नेट टैक्सेबल इनकम 50,000 से ज्यादा है उस वर्ष में, तो वो उस कंपनी का स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएगा। तो ऐसे एम्प्लॉयज को जो फैसिलिटीज दी जाती है उनका वैल्यूएशन हम देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है एजुकेशन फैसिलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय, कर्मचारी के बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा। इस केस में दो केस हो सकते हैं। कि इसमें एक केस तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, उसका स्वयं द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान हो, खुद का उसका खुद का एजुकेशन कोई इंस्टीट्यूशन हो, उसमें वो ये सुविधा दे रहा है। दूसरा केस हो सकता है कि वो कर्मचारी कहीं और बच्चे को पढ़ा रहा है, दूसरे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है, लेकिन उसको जो भी उसकी जो एजुकेशन में जो भी खर्चा आ रहा है उसको नियोक्ता पेमेंट कर रहा है, रिइम्बर्स कर रहा है। दो केस तो हम बात करते हैं। पहले केस में कि प्रोवाइडेड एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन द स्कूल ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, उसकी खुद की स्कूल है, खुद के द्वारा ओन्ड है, खुद के द्वारा संचालित स्कूल में वो ये सुविधा दे रहा है कि जो कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को, अपने घर के सदस्यों को, घर के मेंबर्स जो हैं, हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, उनको नियोक्ता के स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की सुविधा अगर वो दे रहा है, तो उस केस में हम वैल्यूएशन किस तरीके से करेंगे, उसमें देखेंगे हम कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन द सिमिलर स्कूल। हम उसमें ये देखेंगे अगर वो नियोक्ता के स्कूल में नहीं पढ़ा के किसी और ऐसी ही स्कूल में वहाँ पढ़ाता तो जो खर्चा आता, जो उसकी कॉस्ट आती, उसी कॉस्ट को हम उस परक्विजिट की वैल्यू मान लेंगे। मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉयर एक्स है, उसका खुद का स्कूल है, स्कूल उसका कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी एक स्कूल है उसका, उस स्कूल में वो अपने कर्मचारियों के जो भी बच्चे हैं, जो भी उसके हाउस होल्ड मेंबर्स हैं, वो उनको सुविधा देता है कि वो वहाँ उनको निःशुल्क पढ़ा सकते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि उस केस में वैल्यूएशन ऐसे करेंगे कि अगर वो कर्मचारी उस एक्स जो उसका एम्प्लॉयर है उस एम्प्लॉयर स्कूल में नहीं पढ़ा के कोई दूसरी स्कूल है, एक्स वाई जेड कोई भी स्कूल है, उस स्कूल में पढ़ाता तो जो कॉस्ट आती वो कॉस्ट थी उस परक्विजिट, उस सुविधा, उस बेनिफिट का वैल्यू मान ली जाएगी। ये तो हो गया। और सेकंड सिचुएशन हो सकती है कि एनी अदर स्कूल में पढ़ाएगा, तो एनी अदर स्कूल में अगर वो पढ़ा रहा है और उसका खर्चा जो नियोक्ता दे रहा है, तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो ही उस परक्विजिट, उस बेनिफिट की वैल्यू मान ली जाएगी। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन आया है, कुछ अपवाद है कि अगर जो उसकी कॉस्ट जो आ रही है एजुकेशन की, वो एजुकेशन की कॉस्ट पर चाइल्ड पर मंथ 1,000 से कम आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस परक्विजिट की वैल्यू को निल मान लिया जाएगा, उसको टैक्स फ्री परक्विजिट मान लिया जाएगा। यदि नियोक्ता का जो व्यय, एम्प्लॉयर का जो व्यय है एजुकेशन फैसिलिटी के ऊपर, वो 1,000 रुपए प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है, एक 1,000 से कम है, तो क्या होगा, कर्मचारियों को बच्चों को दी जाने वाली ऐसी शिक्षा सुविधा का मूल्य पूर्णतः एग्जम्प्ट होगा, कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा। तो इसमें हमने देखा दो सिचुएशन, अगर वो खुद की स्कूल में, खुद के ओन स्कूल में अगर एम्प्लॉयर ऐसी सुविधा दे रहा है, या एनी अदर स्कूल में दे रहा है, एनी अदर स्कूल में दे रहा है तो जो उसकी कॉस्ट आएगी वो उसका बजट की वैल्यू मान ली जाएगी, और खुद की ओन स्कूल में ऐसी सुविधा दे रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही सिमिलर स्कूल में उस एजुकेशन फैसिलिटी की जो कॉस्ट आती वही कॉस्ट उस फैसिलिटी की उस परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस, बिजली पानी एंड गैस की सुविधा अगर वो देता है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि अगर बिजली पानी या गैस का कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम पे है और उसका पेमेंट कौन कर रहा है,
एम्प्लॉयर कर रहा है तो उस केस में वो सारे एम्प्लॉयज के लिए अमाउंट टैक्सेबल होगा। उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता था कि जो भी अमाउंट, जो भी खर्चा उस नियोक्ता ने वहन करा है, जो भी उसने पेमेंट करा है, जितना भी उसने पेमेंट करा है वो उस परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। अगर कुछ उसने एम्प्लॉय से लिया है वापस रिएम्बर्स करा है तो वो वैल्यू लेस कर दी जाएगी। वो ये वाली वैल्यू आपको सब परक्विजिट की वैल्यूएशन में लेस करनी है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विशिष्ट एम्प्लॉयज की। अगर विशिष्ट एम्प्लॉयज को वो क्या कर रहा है, फैसिलिटी दे रहा है बिजली की, वाटर और गैस की, वो खुद अपनी तरफ से फैसिलिटी दे रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो जो एम्प्लॉयर है वो पेमेंट बाई एम्प्लॉयर टू द एजेंसी, वो एजेंसी को पेमेंट कर रहा है सीधा, गैस की एजेंसी है जो वाटर सप्लायर जो है उनको पेमेंट कर रहा है डायरेक्टली, बिजली की जो है यूनिट, बिजली का जो भी विभाग है उसको डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है। कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। क्यों कर रहा है, ताकि उस एम्प्लॉय को बिजली पानी और गैस की सुविधा मिल सके। इस केस में क्या होगा, जो भी एक्चुअल कॉस्ट जो पेमेंट करी गई है एम्प्लॉयर के द्वारा वो ही उस परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। और सेकंड केस क्या हो सकता है, सप्लाई आउट ऑफ ऑन सोर्स, हो सकता है उसके पास खुद के सोर्स हैं, उस सोर्स से वो बिजली की सुविधा दे रहा है, गैस की सुविधा दे रहा है या पानी की सुविधा दे रहा है। उस केस में क्या होगा, उस केस में हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड बाई एन एम्प्लॉयर, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, जो उसकी लागत आ रही है, वो लागत जो पर यूनिट लागत आ रही है वो ही उस परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। और उसमें अगर इस केस में अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिएम्बर्स किया है, कुछ अमाउंट वसूल किया है, वापस रिकवर किया है एम्प्लॉय से, तो उस केस में क्या होगा, वो जो वापस रिकवर जो अमाउंट किया गया एम्प्लॉय से वो अमाउंट लेस कर दिया जाएगा और जो नेट अमाउंट बचेगा वो ही उस परक्विजिट की वैल्यू मानी जाएगी। अब थर्ड पॉइंट है कि फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन और स्वीपर, घरेलू नौकर, माली नौकर, माली सॉरी चौकीदार की अगर कोई सुविधा प्रदान करता है, ये सुविधा उसको अवेलेबल करवाता है कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, तो विशिष्ट एम्प्लॉय विशिष्ट हो सकता है या फिर अदर एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई सुविधा प्रदान की जाती है तो उसका वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा वो हम देखते हैं। कि ये जो सर्वेंट मैंने बताए हैं अभी, डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन और स्वीपर, उसकी नियुक्ति, उसका अपॉइंटमेंट अगर एम्प्लॉय करता है, अगर एम्प्लॉयर अपॉइंटमेंट कर रहा है और उसकी सैलरी का पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा तभी वो सुविधा मानी जाएगी, परक्विजिट माना जाएगा। तो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, अपॉइंटमेंट आपको ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, वो सैलरी का पेमेंट तो एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, तो उस केस में जो वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा, जो भी उसने एक्चुअल पेमेंट किया है सैलरी का, वो ही पेमेंट, वो ही कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट जो आई है वो ही कॉस्ट उस परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। और कुछ जो भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर किया है तो रिकवर्ड अमाउंट लेस कर दिया जाएगा और नेट अमाउंट परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो परक्विजिट की वैल्यू आएगी वो सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल होगी, वो चाहे स्पेसिफाइड हो या नहीं हो, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, अगर सर्वेंट अपॉइंट किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, यहाँ पे एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर रहा, उसने एम्प्लॉयर खुद ही अपॉइंट करके दे रहा है कि ये ए है या आपका डोमेस्टिक सर्वेंट है, या आप अपने घर ले जाइए और उसे काम करवाइए, ऐसा अगर एम्प्लॉयर खुद अपॉइंट कर रहा है, कोई भी डोमेस्टिक सर्वेंट, गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, एम्प्लॉयर अपॉइंट कर रहा है, तो पेमेंट तो एम्प्लॉय कर ही रहा है, पेमेंट भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, परक्विजिट की वैल्यू तो वही होगी जो भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर हुई है, जो भी उसने सैलरी का पेमेंट किया एम्प्लॉयर ने, वो ही उस परक्विजिट की वैल्यू मान ली जाएगी। और जो भी अमाउंट रिकवर किया अगर एम्प्लॉय से तो वो अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उस केस में ये परक्विजिट टैक्सेबल होगा ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होगा। तो आपको केवल ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है कि सर्वेंट है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया गया है। अगर एम्प्लॉय अपॉइंट कर रहा है तो वो परक्विजिट सभी एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा तो वो परक्विजिट की वैल्यू केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए ही टैक्सेबल होगी, अदर एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट आता है जो फोर्थ है, फैसिलिटी ऑफ मोटर कार। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को मोटर कार की फैसिलिटी देता है तो उस केस में उस सुविधा का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा वो देखते हैं। उसमें दो केस हो सकते हैं। फर्स्ट तो आता है कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर। अगर जो नियोक्ता है उसकी खुद की कार है या उसने किराए पर लिया है,
नहीं, आप एक ध्यान रखना, आपको एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर की कार है, वो एम्प्लॉयर को सुविधा दे रहा है कि आप उसकी कार यूज कर सकते हो, या फिर उसने किराए पे लेके कार एम्प्लॉयर को दी है कि ये कार आप यूज कर सकते हो। तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा? तो फर्स्ट आता है कि एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पज, अगर केवल एंड केवल वो ऑफिशियल पर्पज के लिए एम्प्लॉय उस कार का यूज करता है, तो उस केस में उस परक्यूजेट की वैल्यू क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी, क्योंकि वो ऑफिस के काम के लिए यूज कर रहा है, तो वो एक तरह से ऑफिस के ही काम आ रही है, तो उसको वो पर्सनल सुविधा नहीं मानी जाएगी। तो इस केस में उस परक्यूजेट की वैल्यू क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी। लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसको मेंटेन करने पड़ेंगे, और उसको उसमें ध्यान उसमें आपको उसको कुछ लेखे भी, कुछ विवरण भी रखना होगा, जैसे कि किस दिन यूज में आई है, उसकी डेट क्या है, कहाँ पे यूज आई है और किस काम में यूज आई है, कार्यालय से उसकी कितनी दूरी थी, जो उसका ऑफिस है एम्प्लॉय का, उस एम्प्लॉय से कितने डिस्टेंस में काम में आई है, और जो जो खर्चे हुए हैं उन सब खर्चों को वो उसका सारा कुछ उसको डिटेल डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और साथ ही उसको एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा कि जो भी ये कार का मैंने यूज लिया है वो एक्सक्लूसिवली ऑफिशियल पर्पस के लिए ही किया है, ऑफिस के काम के लिए उस कार को काम में लिया है, और साथ ही इसको एक जो सुपरवाइजर होते हैं, जो भी उसका अथॉरिटी होगी, उससे उसको वेरीफाई भी प्रमाणित भी करवाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई, अगर वो कार जो एम्प्लॉय है वो कार केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो हमने देखा क्या माना जाएगा वैल्यूएशन, उसका जीरो माना जाएगा, निल माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर कार जो है एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए यूज की जा रही है, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं की जा रही, वो केवल एंड केवल निजी उपयोग प्राइवेट पर्पस के लिए यूज की जा रही है, तो उस केस में कैसे वैल्यूएशन किया जाएगा? जो परक्यूजेट की वैल्यू होगी वो क्या मानी जाएगी? एक्चुअल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, जो भी उसको रनिंग एंड मेंटेनेंस, जो चलाने के या रख रखाव के जो भी उसके खर्चे आए हैं, जो भी आए हैं, वो सब लिए जाएंगे। साथ ही उसमें ऐड किया जाएगा रेमुनरेशन ऑफ ड्राइवर, अगर ड्राइवर उसने रखा है, ड्राइवर को जो भी उसको सैलरी दी जा रही है, जो भी उसको मेहताना दिया जा रहा है ड्राइवर को, उसका रेमुनरेशन भी आ जाएगा। प्लस और क्या आएगा? डेप्रिसिएशन आएगा एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% पर एनम के हिसाब से उस कार की वैल्यू के ऊपर मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, जो भी कार की वास्तविक लागत थी उसका 10% डेप्रिसिएशन के तौर पे उसमें ऐड किया जाएगा। ये तो बात हो गई कि नियोक्ता की खुद की कार है, तब तो डेप्रिसिएशन ऐड करना है, अगर नियोक्ता ने भी किराए पर ली है तो उस केस में क्या होगा? जो भी हायर चार्जेस पे कर रहे हैं नियोक्ता, वो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें क्या होगा? अगर कुछ अमाउंट रिकवर किया है एम्प्लॉय से एम्प्लॉय ने, तो वो अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। तो अगर एम्प्लॉय जो कार की सुविधा दी गई है, उस कार को वो निजी प्रयोग के लिए, अपने घर के मेंबर्स के लिए, खुद के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, केवल एंड केवल पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहा है, तो उस केस में उस परक्यूजेट का वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा? जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है वो ले लिए जाएंगे, साथ ही अगर ड्राइवर को कुछ पेमेंट किया है, रेमुनरेशन दिया है, तो वो ऐड कर दिया जाएगा। और थर्ड चीज है 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार डेप्रिसिएशन ऐड किया जाएगा, अगर नियोक्ता की खुद की कार है तो। अगर नियोक्ता ने भी क्या हायर पे लिया, किराए पे लिया, तो जो भी किराए के एक्सपेंस, किराए जो हायर चार्जेज हैं वो ऐड कर दिए जाएंगे। इन सब को ऐड करने के बाद में अगर कुछ अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो अमाउंट लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन आती है, अगर जो कार है, जो कार की सुविधा दी गई है, वो ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पज में यूज ली जा रही है, ऑफिस ऑफिशियल पर्पज के लिए भी काम में आ रही है और प्राइवेट पर्पज के लिए भी काम में आ रही है, तो इस केस में वैल्यूएशन किस तरीके से किया जाएगा? इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, तो हम आगे देखते हैं। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस बोर्न बाय एम्प्लॉयर, अगर जो रनिंग और मेंटेनेंस जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो कौन कौन भुगतान कर रहा है उनका? एम्प्लॉयर, नियोक्ता भुगतान कर रहा है, तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे होगा? और अगर एम्प्लॉयर भुगतान करेगा तो उस केस में कैसे होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले देखते हैं, अगर जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस, जो भी चलाने के रख रखाव के जो भी खर्चे हैं, अगर वो खर्चे नियोक्ता वहन करता है, तो उस केस में उस परक्यूजेट की क्या वैल्यू मानी जाएगी? तो उसमें हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी की कुछ लिमिट दी गई है, क्यूबिक कैपेसिटी कुछ इंजन की घन क्षमता होती है, उस घन क्षमता के आधार पर कुछ हमें मॉनिटर लिमिट दी गई है। अगर इफ क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन डज नॉट एक्सीड 1.6 लीटर,
जो कार की इंजन की घन क्षमता क्यूबिक कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, अगर वो क्यूबिक कैपेसिटी है वो 1.6 लीटर तक है, तो उस केस में क्या माना जाएगा? उस केस में लिया जाएगा 1800 रुपए पर मंथ लिया जाएगा, ठीक है। जो प्रतिशत की वैल्यू क्या ली जाएगी, 1800 रुपए पर मंथ। और अगर ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई है तो उस केस में 900 पर मंथ ड्राइवर के भी ऐड कर दिए जाएंगे। तो कितना हो जाएगा अपना, 1800 प्लस 900 हो जाएगा, और ये हो जाएगी हमारी 2700। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर उसकी क्यूबिक कैपेसिटी, जो इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी है, घन क्षमता है 1.6 लीटर तक है, तो उससे ज्यादा नहीं है, 1.6 लीटर तक है, तो उस केस में क्या लिया जाएगा, उस पर क्रेडिट की वैल्यू ली जाएगी 1800 पर मंथ। और ड्राइवर की भी फैसिलिटी दी गई है, ड्राइवर के 900 और ऐड कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, अगर उस कार की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा होगी, उस केस में क्या करेंगे, प्रतिजेट की वैल्यू तो ले ली जाएगी 2400, 2400 पर मंथ ले ली जाएगी, और वो ड्राइवर की, अगर ड्राइवर फैसिलिटी दी गई है तो 900 ड्राइवर के ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ मॉनिटरी लिमिट आपको ध्यान रखनी और याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको क्यूबिक कैपेसिटी दे दी जाएगी। नेक्स्ट आता है कि अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस जो खर्चे, चलाने के रखरखाव के जो खर्चे हैं, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो उस केस में क्या किया जाएगा, कैसे देखते हैं, उसमें भी हमारी क्यूबिक कैपेसिटी आएगी। अगर क्यूबिक कैपेसिटी जो घन क्षमता है कार के इंजन की वो 1.6 लीटर तक है, तो उस केस में कितना लिया जाएगा, 600 पर मंथ। तो क्रेडिट की वैल्यू क्या मानी जाएगी, 600 पर मंथ ही मानी जाएगी, और ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई तो उसके ड्राइवर के 900 ऐड कर दिए जाएंगे। और अगर उसकी क्यूबिक कैपेसिटी, जो कार के इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है, तो ऐड किया जाएगा 900 पर मंथ, और ड्राइवर की फैसिलिटी साथ में है तो 900 ड्राइवर के पर मंथ भी, 900 पर मंथ ड्राइवर के भी ऐड कर दिए जाएंगे। ये आपको लिमिट्स, कुछ मॉनिटरी चीजें हो आप याद रखनी पड़ेगी। एम्प्लॉयर कौन करना है, वो एम्प्लॉयर उठा रहा है रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा, तो उस केस में 1800 और 2400 दी गई क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से, और अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो उस केस में दिया गया 600 और 900 पर मंथ के हिसाब से, क्यूबिक कैपेसिटी के हिसाब से। और ये ध्यान रखना है, अगर ड्राइवर की फैसिलिटी कहीं भी दी जा रही है तो ड्राइवर के हमें ऐड करने हैं 900 पर मंथ के हिसाब से, वो उस वैल्यूएशन में ऐड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट आता है, अगर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय द एम्प्लॉय, कार एम्प्लॉय जो कर्मचारी है उसके द्वारा ओन्ड है या उसके द्वारा ही किराए पर ली गई, तो उस केस में क्या होगा, उसमें भी वही तीन चीजें दे रखी हैं। अगर कार एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है तो वही चीज होगी, प्रतिशत की वैल्यू नील मानी जाएगी, लेकिन उसको कुछ स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट मेंटेन रखने पड़ेंगे जो मैंने अभी बताए थे। नेक्स्ट आता है, अगर कार एक्सक्लूसिवली फॉर प्राइवेट पर्पस, निजी उपयोग में काम में आ रही है, निजी उपयोग के लिए आ रही है, प्राइवेट पर्पस के लिए, केवल एंड केवल प्राइवेट पर्पस के लिए काम में आ रही है, तो कितना माना जाएगा प्रोक्यूजिट का वैल्यू, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि कार तो एम्प्लॉय की थी, तो उसके ऊपर जो भी एम्प्लॉयर ने जो भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए हैं, जो भी खर्चों का पेमेंट किया है, वो खर्चे ही ले लिए जाएंगे, वो ही खर्चे उस प्रोक्यूजिट की वैल्यू मान लिए जाएंगे, कुछ अमाउंट अगर एम्प्लॉय से रिकवर किया है तो वो लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर जो कार है एम्प्लॉय की वो दोनों पर्पस के लिए यूज हो रही है, ऑफिशियल पर्पस के लिए भी और प्राइवेट पर्पस के लिए, तो इस केस में भी दो चीजें, दो सिचुएशन है, जो रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, चलने चलाने और रखरखाव के जो एक्सपेंसेस है कार के, या तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है या फिर एम्प्लॉय पे कर रहा है। अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है, कार भी एम्प्लॉय की है, उसके खर्चे भी एम्प्लॉय पे कर रहा है, तो वो प्रतिशत सुविधा हुई नहीं, तो उस केस में उसका वैल्यू तो नील हो जाएगी। और अगर कार तो एम्प्लॉय की है लेकिन उसके रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और कार ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पस में यूज आ रही है, तो उस केस में कैसे वैल्यूएशन करेंगे, इसमें भी क्यूबिक कैपेसिटी हमें देखनी है। अगर क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन, जो कार की इंजन की घन क्षमता है, वो 1.6 लीटर से ज्यादा नहीं है, 1.6 लीटर तक है, तो उस केस में क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर के द्वारा इनकर्ड किया गया है, कुछ पेमेंट, जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर के द्वारा किए गए हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर के, वो आ जाएंगे, उसमें से लेस कर दिया जाएगा 1800 पर मंथ। ये आप ध्यान रखना, जो मैंने पहले बताया था, पहले क्या बताया था, अगर कार एम्प्लॉयर खुद की, एम्प्लॉयर की होती है, तो उस केस में अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो हमें देखा था तो वैल्यूएशन कैसे करते थे, 1800 पर मंथ ले लिया जाता था। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि कार एम्प्लॉय की है और केवल एंड केवल रनिंग एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो रनिंग एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंडिचर पे कर रहा है एम्प्लॉयर, वो खर्चे ले लिए जाएंगे, वो कॉस्ट ले ली जाएगी, उसमें से लेस कितना कर दिया जाएगा, वो ही पहले जो मंथ लिमिट बताई गई थी 1800 पर मंथ लेस
कर दिया जाएगा। अगर ड्राइवर की फैसिलिटी दी गई है तो ड्राइवर के भी 900 पर मंथ आप वो लेस कर दिए जाएंगे। जो भी अमाउंट आएगा वो उस पर क्यूबिक की वैल्यू मान ली जाएगी। और अगर क्यूबिक कैपेसिटी उसकी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो क्या होगा, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर जो भी एम्प्लॉय के द्वारा इनकर्ड किए गए वो ले लिए जाएंगे और उसमें से लेस कर दिया जाएगा 2400 पर मंथ। और अगर ड्राइवर की फैसिलिटी तो ड्राइवर के भी 900 पर मंथ लेस कर दिए जाएंगे। और जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या उस प्रतिशत की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, कार अगर एम्प्लॉयर खुद की थी, एम्प्लॉय के द्वारा ओन थी, एम्प्लॉय के द्वारा किराए पर ली गई थी तो 1800-2400 उस प्रतिशत की वैल्यू मानी गई थी क्योंकि उस सुविधा दी गई है। और इस केस में क्या हो रहा है, कार तो एम्प्लॉय खुद की है, वो कार की सुविधा नहीं दे रहा, वो केवल सुविधा क्या दे रहा है कि जो भी उसके एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो कौन पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि वो जो कार है वो दोनों काम में आ रही है, ऑफिशियल यूज में भी आ रही है और पर्सनल यूज में भी आ रही है, तो हम ये 1800-2400 जो बताए थे वो उसके इस केस में लेस कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं और हम देखते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स हैं कि कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है इसमें। जैसे कि फर्स्ट बताया गया है, मैंने बार बार बताया था कि 1800 पर मंथ लेना है वैल्यूएशन, 2400 पर मंथ वैल्यूएशन लेंगे, ड्राइवर का 900 पर मंथ लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे मंथ का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ मंथ देखेंगे हम। मीनिंग ऑफ मंथ में क्या गया बताया गया, द टर्म कैलेंडर मंथ विल मीन द पीरियड फ्रॉम एनी डे अप टू एंड इंक्लूसिव ऑफ द डे प्रिसीडिंग द कोरस्पॉन्डिंग डे इन द सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ। जो बताया गया है इसमें बताया गया है कि जो मंथ होगा वो मंथ जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे से स्टार्ट हो, तो जो मंथ की तारीख होगी वो पहली तारीख से स्टार्ट हो जरूरी नहीं है। जिस दिन से लिया जाएगा, मान लीजिए कि अगर हम पीरियड लेते हैं 28 जनवरी, 28 जनवरी से कार की सुविधा दी गई है तो उस केस में 1 महीना का पूरा होगा, 28 जनवरी से लेकर नेक्स्ट मंथ की 27 फरवरी तक पूरा होगा। तो उस दिन से, जिस दिन से कार की सुविधा दी गई है उस दिन से ही महीने का स्टार्टिंग मान लिया जाएगा और वो आगे के जब जो वो डेट आने वाली है उस डेट से 1 दिन पहले उस मंथ का एंड मान लिया जाएगा। 28 जनवरी को दी गई 27 फरवरी तक मान लिया जाएगा। अगर 29 मई को ये सुविधा दी गई है तो 28 जून तक का 1 महीना मान लिया जाएगा। इस तरीके से हम एक मंथ ले लेंगे। तो इन द कंप्यूटेशन ऑफ कैलेंडर मंथ फॉर इवेल्युएटिंग द प्रोसीजर्स ओनली फुल कैलेंडर मंथ मस्ट बी कंसिडर्ड एंड फ्रैक्शन ऑफ कैलेंडर मंथ मस्ट बी इग्नोर। तो फुल कैलेंडर मंथ लेना है आपको, देखना है। मान लीजिए ये सुविधा दी गई 15 अक्टूबर को, तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर 1 महीना हो गया, सॉरी 15 अक्टूबर से 14 नवंबर 1 महीना हो गया और 15 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तो दूसरा महीना हो गया। अब उसने क्या हुआ, ये सुविधा 5 जनवरी को वापस ले ली एम्प्लॉयर ने, जो सुविधा दी गई थी कार की। तो उस केस में हमारे कितने कंप्लीटेड मंथ कितने हैं, 15 अक्टूबर से 14 नवंबर और 15 नवंबर से 14 दिसंबर, केवल 2 ही मंथ कम्प्लीट हुए हैं। तो कंप्लीट मंथ ही लेना है, फ्रैक्शनल मंथ नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है, अगर एम्प्लॉयर मोर देन वन कार इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर यूज। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार की सुविधा देता है, तो इस केस में कैसे क्या करेंगे हम, इफ द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मोर देन वन मोटर कार फॉर द ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज, इन दैट केस ओनली वन ऑफ द मोटर कार शैल बी कंसिडर्ड टू बी फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल यूज एंड ऑल अदर कार शैल बी कंसिडर्ड टू बी फॉर पर्सनल यूज एंड प्रोसीजर वैल्यू शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंगली। इस केस में क्या हो रहा है, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक से अधिक कार की सुविधा दे रहा है तो उसमें उसमें से किसी भी एक कार को ये मान लिया जाएगा कि ये कार ऑफिशियल और पर्सनल दोनों यूज में आ रही है। ठीक है, ये मानते उसका वैल्यूएशन कर लिया जाएगा और बाकी की बची हुई सब कार को क्या माना जाएगा कि वो केवल एंड केवल पर्सनल यूज में ही आ रही है, ऑफिस के यूज में नहीं आ रही। तो ऐसे मानते हुए उस प्रोसीजर का वैल्यूएशन कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मोटर कार फॉर गोइंग टू ऑफिस एंड कमिंग बैक टू रेजिडेंस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। अगर जो मोटर कार की फैसिलिटी दी जा रही है वो केवल ये दी जा रही है कि आपको ऑफिस से घर छोड़ रहे हैं और घर से वापस ऑफिस लेके आ रहे हैं, तो केवल यही मोटर कार की फैसिलिटी दी जा रही है तो उस केस में प्रोसीजर की वैल्यू क्या मानी जाएगी, नील, और वो टैक्स फ्री हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होता है फ्रॉम इनकम टैक्स। पर्सनल पर्पज इंक्लूड द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज हाउस होल्ड। तो मैंने बार बार कई बार बताया कि हाउस होल्ड मेंबर को ये सुविधा दे रहा है, हाउस होल्ड मेंबर्स को ये सुविधा दी जा रही है। तो यहाँ पे हाउस होल्ड मेंबर्स कौन होंगे, इसमें है इसके स्पाउस, जो भी उसके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, तो उसके स्पाउस हो गए, उनके बच्चे हो गए एंड देयर स्पाउस, और उन बच्चों के जो भी स्पाउस होंगे वो आ जाएंगे और पेरेंट्स आ जाएंगे, मम्मी पापा आ जाएंगे, सर्वेंट्स हैं या डिपेंडेंट्स हैं, ये लोग
एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉय के हाउसहोल्ड मेंबर्स में इंक्लूड किए जाएंगे, खुद का स्पाउस, बच्चे, बच्चों के स्पाउस, उसके पेरेंट्स, सर्वेंट और डिपेंडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आता है व्हेन एम्प्लॉयज ऑन्स एनी ऑटोमेटिक कन्वेंस अदर देन कार एंड रनिंग मेंटेनेंस चार्जेस आर मेड टू रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। अब इस केस में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयज के पास कार नहीं है, कार के अलावा अन्य कोई मोटर व्हीकल है और उस मोटर व्हीकल की उसमें क्या हो, रनिंग मेंटेनेंस के जो भी खर्चा आ रहा है वो खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उसमें वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, पहले तो हमने देखा कि अगर कार एम्प्लॉय की है और रनिंग मेंटेनेंस का खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो वैल्यूएशन तो हमने देख लिया। अब यहाँ आ रहा है कि एम्प्लॉय के पास कार नहीं है, कार के अलावा अन्य कोई व्हीकल है, इसमें कोई और कोई व्हीकल हो सकता है कार के अलावा, तो अन्य कोई व्हीकल है तो और उसका रनिंग मेंटेनेंस अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, अगर ऑफिशियल पर्पस के लिए काम में आ रही है तो वैल्यू नल मानी जाएगी जैसे पहले मानी गई है, और अगर ऑफिशियल और प्राइवेट दोनों पर्पस के लिए काम में आ रही है तो उस केस में क्या करेंगे हम, जो भी एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड किए गए एम्प्लॉयर के द्वारा वो ले लिए जाएंगे और 9,000 पर मंथ लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट इनकर की गई एम्प्लॉयर के द्वारा वो ले ली जाएगी और 9,000 पर मंथ लेस कर दिया जाएगा। इससे आगे हम देखते हैं जो लास्ट है कि ट्रेवल फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर इंगेज इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। जो एम्प्लॉयर है वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इंगेज है और वो अपने ही एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में लगे हुए हैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेवल की फैसिलिटी देता है, तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। अगर वो अपने एम्प्लॉय को नहीं देखे, किसी बाहर के व्यक्ति को फैसिलिटी देता, मान लीजिए कोई बस ऑपरेटर है वो अपने एम्प्लॉय को बस की सुविधा दे रहा है, तो उसमें वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। अगर उस बस में अदर कोई व्यक्ति आता तो उससे जो भी चार्जेस लिए जाते उस बस में सफर करने के, तो वो चार्जेस, वो कॉस्ट ही उस परचेज की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, वैल्यू एट विच सच बेनिफिट इज ऑफर टू पब्लिक, जो पब्लिक को जिस कॉस्ट पे ऑफर होते वो कॉस्ट ले ली जाएगी, और एम्प्लॉय से अगर कुछ अमाउंट रिक्वायर किया है तो वो लेस कर ही दिया जाता है हर जगह, तो यहाँ भी लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर बेनिफिट अगर पब्लिक ऑफर होता है तो जो कॉस्ट इनकर्ड होती, जो कॉस्ट वो वैल्यू उसको मिलती, वो ही वैल्यू उस परचेज की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, इस केस में ये कहा गया है कि अगर ऐसी सुविधा रिटायर्ड एम्प्लॉय को दी जा रही है या अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस केस में उसकी जो भी मेंबर है, परिवार के मेंबर, फैमिली मेंबर्स को अगर सुविधा दी जाती है तो वो सुविधा उसमें परचेज की वैल्यू निल मानी जाएगी, वो एग्जम्प्ट होगा। और रेलवे और एयरवे के जो भी कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, अगर उनको सुविधा दी जाती है तो वो सुविधा भी एग्जम्प्ट होती है, टैक्स भी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे कि टैक्स फ्री जो भी एग्जम्प्टेड पैकेजेस कौन कौन से हैं और किस तरीके से उनका हम वैल्यूएशन करेंगे, इन सब के बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।